कॉलेजेस को कंपेयर कर रहे हैं जिनका नाम है जीएल बजाज वर्सेस जीएनआईओटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है। सो हाई एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉलेज तराजू, जहाँ पे हम आपके कहने पे एक नहीं दो नहीं कई सारे कॉलेजेस को कंपेयर करते हैं कि यार आपके लिए ये ऑप्शन सही होगा या वो ऑप्शन सही होगा, यहाँ जाना चाहिए या फिर वहाँ जाना चाहिए। सो माय नेम इज आशिकान एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कॉलेज तराजू एपिसोड, जहाँ पे हम तीन कॉलेजेस को कंपेयर कर रहे हैं जिनका नाम है जीएल बजाज वर्सेस जीएनआईओटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, और एलॉयड, राइट, आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एलॉयड भी ग्रेटर नोएडा में है। मैं एलॉयड भी जा चुकी हूँ एंड कैंपस बहुत अच्छा है इनका, राइट, बट कॉलेज तीनों में से कौन से वो हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द ओवरव्यू। अगर मैं जीएल बजाज की बात करूँ तो 2005 का एस्टैब्लिश है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। जीएनआईओटी जो है 2001 का एस्टैब्लिश है, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। जीएल बजाज एमबीए भी कराता है, पीजीडीएम भी कराता है, एमबीए के लिए काफी डिमांड है। जीएनआईओटी में भी बच्चा एमबीए के लिए, क्योंकि फीस बहुत कम है यार, 2.5-3 लाख रुपए फीस है, तो उसके हिसाब से यू नो प्रेफरेंस रहती है, बट ये कॉलेजेस पीजीडीएम भी कराते हैं। वेर इज हम पीजीडीएम को ही कंपेयर कर रहे हैं। एलॉयड की मैं बात करूं तो एलॉयड 2004 का एस्टैब्लिश है एंड इट्स ऑल्सो अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो तीनों ही कॉलेजेस की पीजीडीएम प्रोग्राम्स को कंपेयर कर रहे हैं। एमबीए में आप चाहो तो आप जीएल बजाज भी जा सकते हो और जीएनआईओटी भी जा सकते हो, बिकॉज वो फीस बहुत कम है और यूजुअली वो एमबीए वही स्टूडेंट्स करते हैं जिनका यह है कि यार मुझे डिग्री करनी है, मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसमें दोनों ही को आप कंसिडर कर सकते हो। नाउ कोर्स डिटेल्स में मैं बात करूँ, प्रोवाइड MBA एंड PGDM, बोथ दी कोर्सेज ऑफर करते हैं, बट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द PGDM प्रोग्राम्स। 2 ईयर्स के प्रोग्राम्स हैं एंड यस, टू ऑल दी MBA एस्पिरेंट्स जो कि CAT 2022 या फिर दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी प्रिपरेशन में स्टडी मटीरियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज यू नो कंटेंट इज द किंग। आपने ये बात तो सुनी होगी और उसी कंटेंट को लेते हुए अन अकेडमी लेकर आया है आपके लिए एक्सक्लूसिव स्टडी मटीरियल फॉर ऑल दी MBA एस्पिरेंट्स। यस, आप ये जो स्टडी मटीरियल है CAT के लिए इसको अवेल कर सकते हैं और इसको अवेल करने के लिए आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिसके लिए आपको मेरा कोड ARSHI10 यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाके जल्दी से इसको अवेल करिए। पर अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें मिलेगा क्या क्या, तो अगर हम बात करें तो आपको QA में यू नो 7 मॉड्यूल्स मिलेंगे, VARC में 8 मॉड्यूल्स मिलेंगे, पार्ट A में 15 टोटल मॉड्यूल्स मिलेंगे, पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो आपको QA में 16 मॉड्यूल्स मिलेंगे, VARC में 10 मॉड्यूल्स मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन में 22 मॉड्यूल्स मिलेंगे, ऐसे टोटल 48 मॉड्यूल्स मिलेंगे। और ये कब मिलेंगे आपको, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो डिजिटल वर्जन जो पार्ट ए का है वो आपको 1 जून को मिलेगा, राइट, और अगर हम फिजिकल नोट्स डिस्पैच की बात करें तो वो आपको 15 जुलाई तक मिलेगा। वैसे अगर हम पार्ट बी की बात करें तो June 30 तक आपको पार्ट बी का डिजिटल वर्जन मिलेगा और जो फिजिकल नोट्स डिस्पैच होंगे वो 1 अगस्त को होंगे, तो आप जल्दी से जाके इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डू नॉट फॉरगेट यू नो टू अवेल द डिस्काउंट, यूज माय कोड ARSHI10 एंड साथ ही साथ यू नो क्या एक सवाल जो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, क्या ये जो स्टडी मटेरियल है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो यू नो जो अगर हम बात करें जो डिजिटल वर्जन है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है अन अकेडमी के, बट जो फिजिकल वर्जन है, फिजिकल नोट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है, जो जिन्होंने 1 मई से जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए अवेलेबल है। वो सब्सक्रिप्शन जो है वो 6 या उस मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, सो गो एंड क्विकली रजिस्टर योर सेल्फ फॉर अन अकेडमी स्टडी मटीरियल। अब एलिजिबिलिटी, आई मीन आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, दे एक्सेप्ट ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम CAT, ZAT, CMAT, MAT, ATMA, आप किसी के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, यू गो फॉर दी इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। तीनों ही कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इट्स लाइक एलॉयड में बात करूँ तो 10 में से आई थिंक 10 बच्चों का ही सिलेक्शन हो जाता है, जीएनआईओटी में भी 10 में से 9 का हो ही जाता है, राइट, एलॉयड में आप कह सकते, सॉरी जीएल बजाज में आप कह सकते हो कि 10 में से 8 बच्चों का होता है, तो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, राइट, तो ये भी हो गया। नाउ कमिंग टू द कोर्स फीस,
इनकी पीजीडीएम की ये एमबीए की फीस लिखी हुई है, एमबीए की फीस 1,90,000 तो नहीं है, 2 इयर्स की थोड़ी ज्यादा है, पीजीडीएम की 6.5 लाख फीस है, एलॉयड की भी जो है वो 6 के आसपास फीस है, वेरस जेएनआईओटी की भी 6 लाख के आसपास इनका पीजीडीएम का जो है वो फीस स्ट्रक्चर है। फैसिलिटीज ये सारी मिल जाती है, बट आई थिंक दिस इज नॉट अ पैरामीटर टू डिसाइड अ कॉलेज। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इस बैंड के कॉलेजेस देख रहे हो सकता है कुछ और ऑप्शन आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अच्छे हो, बिकॉज यहाँ तो हम इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी सेम सवाल है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, तो उसके लिए नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट, जीएल बजाज 10 लाख का एवरेज है, सॉरी हाईएस्ट जो है वो 10 लाख का है, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 5-6 लाख के आसपास का एवरेज है इनके पीजीडीएम का। जीएनआईओटी में 5 लाख का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट 12 लाख रुपीज का है। एलॉयड की मैं बात करूं तो 6.5 क्लेम कर रहे हैं, बट इन रियल इनका भी 5-5.5 लाख का एवरेज है, हाईएस्ट जो है वो 16 लाख का है। टॉप रिक्रूटर्स में हर कॉलेज की वेबसाइट पे केपीएमजी, गोल्डमैन सैच, डीटी, डीसी, गोदरेज, आई मीन यही सारी कंपनीज होती हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये हो सकता है कई बार 5 साल में एक बार आई हो, 4 साल में एक बार आई हो। तो इसको कंक्लूड करते हैं कि सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम ब्रांड वैल्यू वाइज, अगर तुम प्लेसमेंट वाइज देख रहे हो तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं जीएल बजाज जो है इनको, इसको तुम कंसिडर कर सकते हो इन तीनों में से। देन फिर तुम यू नो चाहो तो एलॉयड भी देख सकते हो, जीएनआईओटी, वैसे इन माय सिचुएशन तीनों एक जैसे, बट तीनों में से फर्स्ट रैंकिंग जो है वो आप कहीं ना कहीं ओवरऑल फीस, ओवरऑल फैकल्टीज, ओवरऑल प्लेसमेंट्स में आप उसको कंसिडर कर सकते हो। पर ये चॉइस जो है वो चेंज हो सकती है अगर, यस, क्या ये चॉइस चेंज हो सकती है अगर आपकी प्रोफाइल पे वेरी करेगा, तो उस पे अगर आपको डिस्कस करना है तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो। साथ ही साथ यू नो आप बहुत सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो यूजिंग द कूपन जो सीमैट के रिजल्ट्स के बाद आपके लिए अवेलेबल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हो। एंड यू नो अगर आप नए हो चैनल पे तो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है जहाँ पे आपको मेरी लाइव आने की अपडेट मिलती है उसको जाके ज्वाइन कर लो, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.